क्या आप जानते हैं दोस्तों कि 2008 में जो अंडर 19 का वर्ल्ड कप हुआ था उसमें भारत के कप्तान थे कौन? वो तो विराट कोहली, और उप कप्तान कहे तो रविंद्र जडेजा थे। मैं आपको बता दूं कि सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से ये भारत टीम जीती थी, और उस न्यूजीलैंड के कप्तान उस टाइम थे अंडर 19 में केन विलियम्सन, और उस टीम में अंडर 19 में टीम साउथी और ट्रेंट बोल्ट भी खेलते थे। तो उस अंडर 19 के 2008 के टीम से कह सकते हैं कि अभी तीन खिलाड़ी आज वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में खेल रही है। वहीं भारत की तरफ से दो खिलाड़ी हैं उस टीम से जो कि इस टीम में खेल रही हैं, रविंद्र जडेजा और विराट कोहली। तो एक बार 2008 की यादें ताज़ा हो गई हैं क्योंकि दोनों कप्तानें फिर से एक बार आमने सामने हैं, और 2019 में भी वर्ल्ड कप में ODI में ये दोनों आमने सामने थे। तो कैसा ये आपको फैक्ट्स लगा? तो चैनल को सब्सक्राइब